जैसे जैसे अप्रैल का महीना समाप्त होता जा रहा है, वैसे वैसे ही गर्मी का एहसास भी होने लगा है। और गर्मी के एहसास को कम करने के लिए रामपुर रोड स्थित प्रेम वंडरलैंड में वाटर किंगडम की शुरुआत की गई है। वाटर किंगडम की शुरुआत होते ही वहां मौजूद बच्चों ने खूब मस्ती की। प्रेम वंडरलैंड के संजय कत्याल ने बताया कि अब क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा होने लगी है, इसलिए वाटर किंगडम शुरू कर दिया गया है, जिसमें बच्चे काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह भीड़ और भी बढ़ने वाली है। इसी के साथ ही पूरे परिसर में मिनी ट्रेन, बच्चों के झूले व प्लास्टिक के जानवर भी परिसर में लगाए गए हैं। 16 अप्रैल को परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी प्रेम वंडरलैंड पहुँचे और सुबह से लेकर शाम तक मौजूद रहे और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मेरा नाम तो सागर जी महाराज जी है, लेकिन हमारे गुरुदेव परम पूज्य राजकृष्ण आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी हैं, उनके मैं शिष्य हूँ। गुरुदेव की परम कृपा और छाया, उनकी आशीर्वाद हम सब ऊपर रहता है। जैसे गुरुदेव के सैकड़ों शिष्य हैं, उनमें से एक मैं अरय सागर जी महाराज जी हूँ। अभी मेरा तीसरा सम्मे शिखर जी से मंगल विहार होता हुआ आपके उत्तर प्रदेश की नगरी मुरादाबाद नगरी जो है हमारा आना हुआ है। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से साधु संतों की सेवा में आप लोग सभी लोग अपने आप को समर्पित करते रहें और जितना बने आप सभी का धर्म के प्रचार में प्रसार में योगदान रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धर्म जैन दर्शन, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो भी माने उसका ही धर्म होता है। जैन धर्म जो माने उसका धर्म कहलाता है। भगवान महावीर ने हम सबके लिए जियो और जीने का संदेश दिया है, नारा दिया है। भगवान महावीर की जयंती अभी, महावीर जयंती अभी कुछ दिन पहले आप सभी ने मनाया होगा, मुरादाबाद के जैन समाज ने भी और आप सभी ने मीडिया के माध्यम से निकाला भी होगा, कवरेज किया होगा। तो भगवान महावीर के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान महावीर वो महापुरुष थे जिन्होंने इस धरा पर जन्म लेकर के अपना ही कल्याण नहीं किया, मानव जाति का कल्याण करने के लिए उनका जन्म हुआ था। उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर के हम सबको जीने की कला सिखाई, कला ही नहीं सिखाई, जीने का एक मार्ग भी बताया, जिस मार्ग पर हम दिगंबर मुनि साधु संत उस मार्ग पर चल रहे हैं। ये मार्ग महापुरुषों का मार्ग है, तीर्थंकरों का मार्ग है, जिस मार्ग पर हम जैसे अनेकों शिष्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी के इस मार्ग पर विचरण कर रहे हैं, जगह जगह धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और उनके आशीर्वाद से मैं भी आपके नगर में आया हूँ। और भगवान महावीर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, भगवान महावीर ने कहा है जैन धर्म वह धर्म है, अहिंसा प्रधान धर्म है। अहिंसा का अर्थ होता है हम किसी प्राणी को सताए नहीं, मारे नहीं, काटे नहीं। मेरा नाम तरुण कुमार कचरिया है, मैं प्रेम वंडरलैंड में एज ए मैनेजर हूँ। सर, वंडरलैंड के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वंडरलैंड के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि प्रेम वंडरलैंड परिवार की ओर से पहले तो सभी जनों को आने वाली ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुरादाबाद शहर में प्रेम वंडरलैंड एक ऐसा पारिवारिक स्थल है जहां परिवार के लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और अपना समय यूजफुल एंजॉय कर पाते हैं। सर, क्या क्या सुविधाएं इसमें? और देखिए, वैसे जैसे वाटर पार्क है, हमारा पार्क है, दो जगह हैं पार्क बने हुए, एक एम्यूजमेंट पार्क के नाम से, एक वाटर पार्क के नाम से। एम्यूजमेंट पार्क जो है उसमें हमारे इलेक्ट्रिकल राइड्स वगैरह हैं प्लस मैनुअल राइड्स हैं। एक छोटे बच्चों के लिए पार्क अलग कर रखा है जहाँ बच्चों के लिए मैनुअल राइड्स वगैरह छोटे झूले लगा रखे हैं, जिसमें फैमिली वाले आते हैं, बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं, फुल पिकनिक टाइप से इंजॉय कर सकते हैं। वाटर पार्क के अंदर अलग अलग पूल बने हैं, फैमिली पूल है, एनिमल पूल है, बिग पूल है, उसके अंदर स्लाइडें लग रही हैं, मल्टी लाइन है, सुपर ड्रॉप है, कई स्लाइड्स बने हैं जिसमें इंजॉय कर सकते हैं। प्लस एक छोटा पूल और तैयार हो गया है जिसमें सभी जने इंजॉय कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए क्या शुभकामनाएं और क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रेम वंडरलैंड परिवार की ओर से मैं यही चाहूंगा कि परिवार वाले आने वाली छुट्टियां और त्योहार के टाइम पे यहाँ आए, इंजॉय करें
और सभी झूलों और वाटर पार्क का लुत्फ उठाएं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो उसके हिसाब से वाटर पार्क का एंजॉय करें, वाटर पार्क में पिकनिक मनाएं। बच्चों के लिए क्या सुविधाएं और इसके अलावा क्या रखी हैं आपने? बच्चों के लिए छोटे झूले काफ़ी बने हुए हैं यहाँ पर, जैसे फैमिली वालों के साथ छोटे झूले होते हैं कि बड़े झूले नहीं झूल पाते हैं, तो जो एडवेंचर एक छोटा किड्स पूल एरिया हमने बना रखा है उसमें फैमिली वाले जा सकते हैं, आराम से वहाँ बैठ सकते हैं और छोटे बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें बड़े झूलों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे छोटे झूलों में इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कोई ठहरना चाहे आपके यहाँ आके उसके लिए क्या सुविधाएं हैं? सर ठहरने के लिए पिरामिड लैंड के अंदर स्पॉट नहीं है रखने का, बस बगल में अपना क्लार्किन होटल है उसमें आराम से रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं।